बात बताना चाहता हूँ। मार्केट में और भी बिल्व की फार्मूलेशंस आती हैं, नाम नहीं लूँगा कंपनी का, नाम क्यों लेंगे हम किसी कंपनी का। आज भी एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्व की ये प्रेपरेशन फला फला कंपनी की बहुत खाई है। तो मैंने उसको बताया कि आप उस कंपनी की बिल्व का जो आप पेस्ट या अवले खा रहे हो, आप ध्यान से देखोगे वो पाउडर से बना है। बिल्व पाउडर में आप शुगर ऐड कर लोगे, उसको प्रोसेस कर लोगे तो चटनी बन जाएगी। हमारा जो बिल्वावले है हमने पल्प से बनाया है, फ्रेश पल्प से, पाउडर नहीं लेते। और जो हम बिल्व भी लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बिल्व हम ब्यास डेरा से लेते हैं और बल्क में लेते हैं। हम उस सारा का सारा उनका बिल्व लेके, हम उसका पल्प लेके उससे बिल्वावले बनाते हैं, या हम बिल्व का शरबत बनाते हैं, वो आगे आपको दिखाऊंगा। दो तीन फार्मूलेशन हम बिल्व की बनाते हैं और ये फ्रेश पल्प से आई, मैंने शायद इसको हाईलाइट नहीं किया, ये हमने बनाया है फ्रेश पल्प से। तो ये आप इसको, हाँ इसको यूज़ कहाँ करना है, बिल्व आपको पता है कि अगर बिल्व के बारे में दो बातें और बताऊँगा। बिल्व क्या है, बिल्व और इसबगोल, ये जो दो द्रव्य हैं ये ग्राही द्रव्य हैं। ग्राही हम शब्द यूज़ करते हैं लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ग्राही का कंसेप्ट शायद नहीं क्लियर होता कि ग्राही क्या होता है। अनुलोमन भी हम यूज़ करते हैं शब्द, अनुलोमन भी कई तरह के होते हैं, जैसे हरितकी भी अनुलोमन है, हिंगू भी अनुलोमन है, सौंफ भी अनुलोमन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको अंदर बीच में जाओगे, सौंफ अलग तरह से अनुलोमन है, हरितकी अलग तरह से अनुलोमन है और हिंगू अलग तरह से अनुलोमन है। बड़ी सिंपल सी टिप बताऊंगा, जो हिंगू है वो नर्व एंडिंग्स पे काम करती है, वो जो है गट मोटिलिटी को एनहांस करती है। जो हरितकी है वो परगेटिव है, भेदन है, वो इंटेस्टाइन में वाटर को कलेक्ट करती है। जयपाल से कम, जयपाल इज़ ए ड्रास्टिक परगेटिव, हरितकी इज़ ए माइल्ड परगेटिव। तो वो जो क्या है, वाटर को ले आती है बॉडी में से, इंटेस्टाइन में, तो वो उस तरह से अनुलोमन है। जो सौंफ है वो अनुलोमन है लेकिन वो इंटेस्टाइन के ऊपर उसका कम रोल है, वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट करती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग आप जब हैवी खाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो तो भी आपको सौंफ देते हैं खाने के लिए बाहर बाद में, क्योंकि ओवर ईटिंग होगी, ज़्यादा खाया गया तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाए। निकोटीन भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट करती है। सिगरेट स्मोकिंग, जब कोई लोग सिगरेट स्मोकर होते हैं वो ज़्यादा खा लेते हैं, वो इसलिए सिगरेट पीते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाती है, उनको लगता है कि हमारा पच गया, पचना नहीं, वो स्टोमक थोड़ा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो ये अनुलोमन का इफेक्ट आ गया। ऐसे बात कर रहे हैं ग्राही, ग्राही क्या होता है, ग्राही होता है जो स्टूल बाइंडर होता है। सबसे बढ़िया स्टूल बाइंडर जो हैं वो दो हैं, जिसको मॉडर्न वाले डॉक्टर भी यूज़ करते हैं और उनके पास इसका कोई, इसबगोल का पूरी दुनिया के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसबगोल स्टूल को बाइंड करता है, बिल्व भी स्टूल को बाइंड करता है, दोनों ही इनकी एक जो एक स्निग्ध एक पिच्छिल द्रव्य हैं, चिपकते हैं, चिपचिपा जब इनको पानी थोड़ा मिलता है तो ये चिपचिपे हो जाते हैं, तो ये वैसे ही स्टूल को बाइंड करते हैं। लेकिन ग्राही द्रव्य जब भी आप कोई यूज़ करोगे तो उसके साथ पानी भी यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए इसबगोल और बिल्व ऐसे द्रव्य हैं, ऐसे ही फार्मूलेशंस हैं जो कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ होती हैं और डायरिया में भी यूज़ होती हैं अनुपान भेद से। तो बिल्व के बारे में आपको क्लियर कर दिया कि अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट बार बार स्टूल पास करता है, या किसी भी कंडीशन में बार बार स्टूल पास करता है, थोड़ा थोड़ा स्टूल पास करता है, तो ये स्टूल को बाइंड करके बल्क में एक या दो बार कंफर्टेबली पास करा देगा।